चलिए केस दूसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास बाय द मास रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। अब देखो कि एक मास है और उस ये देखो ये क्या है आपका डिस्टर्बिंग मास है और इसको मैंने काउंटर बैलेंस किया है दूसरे प्लेन में रख के। जैसे कि बात को समझिए, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, और ये जो आपका ग्रीन वाला है ये है आपका डिस्टर्बिंग मास, क्लियर। ये जो है आपका डिस्टर्बिंग मास। अब मैं इस मास को, ये देखिए ये शाफ्ट रोटेट करेगा इस तरीके से, शाफ्ट रोटेट करेगा, क्लियर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, काउंटर बैलेंस कर रहा हूँ, काउंटर बैलेंस कर रहा हूँ किसको, अलग अलग प्लेन में रख के। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर, ये एक यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर, या फिर यहाँ पे हो जाएगा। बात को समझिए कि एक ये क्या है आपका डिस्टर्बिंग मास है, इसको मैंने क्या किया है कि इस तरीके से क्या कर रहा हूँ कि बैलेंस कर रहा हूँ, क्लियर, अलग प्लेन में रख के। तो क्या होगा कि देखो एक इधर हो गया और दूसरा इधर, तो जैसे ये सेंटर में है, ये क्या है आपका जो आपको दिख रहा है, ये क्या है सेंटर में है और ये मैंने अलग प्लेन में रखा, इसको भी क्या कर रहा हूँ अलग प्लेन में रख रहा हूँ, और इस मास को ये दोनों जो ब्लू वाले हैं इसको क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे। बात पहले समझ गए कि एक तो क्या हो सकता है इसको सेंटर में रख सकते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने इसको रख दिया साइड में, जो डिस्टर्बिंग बैलेंस है उसको साइड में रखा और इसको रख दिया इस साइड और इसको रख दिया इस साइड, ठीक है, तब भी ये मास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तीन केस समझ गए, ठीक, इस तरीके से शाफ्ट रोटेट करेगा, क्लियर। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि इसको मैं डिस्टर्बिंग मास को इधर रख दूं और ये जो दो इधर आ जाए, बात को समझिए, ये डिस्टर्बिंग मास इधर हो जाए और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे, क्लियर। तो आपको देखो ये दोनों सिमिलर लग रहा है, या तो इसको इधर लगो या तो इधर लिखो, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है तो इसको माना जाएगा केस नंबर टू, ठीक, और केस नंबर वन क्या होगा, जो इसको सेंटर में होगा, ठीक है। देखो बात को समझिए, एक तो क्या हो गया सेंटर में डिस्टर्बिंग मास, ठीक है, दूसरा क्या होगा इस साइड पर डिस्टर्बिंग मास, ठीक है, और इसको काउंटर इस तरीके से किया गया है, इसको काउंटर इस तरीके से किया जाएगा, है ना, ये अच्छे से बनाए। तो देखो पहला केस ये जो दिख रहा है आपको, ये रहा, है ना, इसको काउंटर इस तरीके से किया, ये डिस्टर्बिंग मास है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या होगा कि मान के चलो इस साइड रख दिए हमने डिस्टर्बिंग मास, ठीक है, इसको काउंटर बैलेंस इधर से और इधर से किया गया, ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टर्बिंग मास, क्लियर। तीसरा केस क्या होगा जो अभी समझाया, ये इस डिस्टर्बिंग मास को हम लोग इधर रख दें और इसको बैलेंस करने के लिए इधर और इधर से ऐसे फोर्स लगा दें, ये क्या हो गया आपका डिस्टर्बिंग मास, क्लियर। ये तीन केस हो सकता है अलग अलग प्लेन में, ठीक है। तो ये दोनों केस क्या है आपका सिमिलर है, या तो इधर रख लो इधर रख लो, मोमेंट दोनों का सेम ही आएगा, है ना, अगर डायनामिक बैलेंसिंग करेंगे तो, क्लियर। लेकिन इस केस में अलग आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों को हमने मान लिया केस नंबर टू, ये दोनों मिला के कोई भी एक बना लो, बात बराबर है, ठीक, इसको माना केस वन, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखो अगर इस तरीके का कुछ आता है आपको कि अलग प्लेन में करना है, और तो दो चीज़ होगा यहाँ पे, एक क्या होगा इसका करना पड़ेगा स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा करना पड़ेगा इसका डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक जब ये मोशन में नहीं है, ठीक है, जब वो मोशन में नहीं है तो हमने क्या देखा था, जितना ऊपर फोर्स लग रहा था ये दोनों उसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। जब ये मोशन में होगा तो क्या करेगा, क्या आएगा, मोमेंट आएगा, है ना, जैसे ही मोशन में आएगा तो क्या आएगा, मोमेंट आने लगेगा, है ना, इसके अंदर बेंडिंग आने लगेगी, है ना, जो शाफ्ट है शाफ्ट के अंदर क्या आएगा, बेंडिंग आ जाएगा। चलो तो फिर पहले करते हैं वही चीज, चलो तो फर्स्ट लिखते हैं हम लोग डिस्टर्ब मास के लिए, डिस्टर्ब मास, ठीक है ना, डिस्टर्ब मास के लिए जो आपका एफ सी है वो कितना होगा, देखो इसके लिए एम है, ये आर वन आर टू, तो ये मान लो क्या है आर है, है ना, तो यहाँ से एफ सी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, फॉर बैलेंस्ड मास, ठीक है। तो बैलेंस मास आपने कितना लगाया है, दो लगाया है, एक लगाया है एफ सी वन, दूसरा लगा है एफ सी टू, ठीक है, एम वन और एम टू मास लगा है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है एफ सी वन और यहाँ पे आ रहा है एफ सी टू, तो दो आपके पास है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ सी वन प्लस एफ सी टू, यही दोनों मिल के इसको बैलेंस कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका,
एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर प्लस एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसके लिए एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ तक पता चल गया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है डिस्टर्ब मास के लिए इतना और बैलेंस के लिए इतना, ठीक है। तो अगर फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग करें, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, और स्टैटिक बैलेंसिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा, यानी कि एफ सी इक्वल टू, ये दोनों काउंटर बैलेंस कर रहा है इसको, एफ सी वन प्लस एफ सी टू को, है ना। एफ सी क्या कर रहा है, ये दोनों फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू लिखो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर प्लस एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसको क्या कर दो, ये तीनों कॉमन लेके यहाँ से काट दिए, है ना। तो यहाँ बच गया आपका, क्या बचा, एम आर इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक मास निकालना रहे तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर वन, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हुआ आपका स्टैटिक बैलेंसिंग। अगर बात करें हम फॉर डायनामिक बैलेंसिंग, क्या फॉर डायनामिक बैलेंसिंग, तो फॉर डायनामिक बैलेंसिंग के लिए क्या आएगा, यहाँ पे मोमेंट आएगा, है ना, मोमेंट आएगा। तो अब हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ से, ठीक है। तो एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं हम लोग, कि साइन कन्वेंशन जो डिस्टर्बिंग मास है उसको ले लो, चलो नेगेटिव, ठीक है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उन्हें माना कि वो नेगेटिव आदमी है, ठीक है, उसको मान लिया हम लोग नेगेटिव है, और जो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो ऊपर वाला होगा उसको प्लस मानेंगे, जो नीचे फोर्स आ रहा है उसको प्लस मानेंगे, है ना, ऊपर वाले को नेगेटिव मानेंगे, क्लियर। चलिए, तो फिर लेते हैं यहाँ मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लिखते हैं यहाँ से, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसके अबाउट ले लेते हैं, पी के अबाउट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, क्लियर है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, मोमेंट लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एफ सी टू इंटू टोटल लेंथ कितना है एल, यहाँ से लिखो, और नीचे वाले को क्या माने हो, पॉजिटिव, यानी कि एफ सी, यहाँ से लिखता हूँ एफ सी टू इंटू एल, ठीक है। अब इसका काम हो गया एफ सी टू इंटू एल। अब देखो ये फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ऊपर क्या माने हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव को डायरेक्ट मैं इस साइड भेज दूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल दे देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, एफ सी इंटू एल वन, एफ सी इंटू एल वन, ठीक, इसका वैल्यू पुट कर दो, तो एफ सी टू इक्वल टू कितना है, एम टू आर टू और ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन, ठीक है, एल वन, क्लियर। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, एम टू आर टू एल इक्वल टू एम आर इंटू एल वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपको फॉर मोमेंट निकाले तो, ठीक है, इसको माना इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो ये किसके अबाउट निकाले हम लोग, टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, तो एक साइड से तो मोमेंट नहीं होगा, हमें इसको भी कंसीडर करना होगा, है ना, ये जो आपका एम वन के कारण जो मोमेंट लग रहा होगा तो इसको भी कंसीडर करना होगा, तो मैंने अब मोमेंट ले रहा हूँ क्यू के अबाउट, तो ये भी कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इसको करते इसको लेते तो फोर्स लगाते और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ जीरो था, तो इसमें तो लिख नहीं सकते, है ना। तो अब लेते हैं हम लोग मोमेंट अबाउट क्यू, लिख लो यहाँ से, टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसके अबाउट ले रहे हैं, पी हो गया, क्यू के अबाउट ले रहे हैं, है ना। तो क्यू के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, एफ सी वन इंटू एल वन, एफ सी वन इंटू एल वन, ठीक है। इधर क्या लेके चल रहे हो आप, पॉजिटिव, ऊपर क्या लोगे, नेगेटिव, तो इक्वल टू कर दो डायरेक्ट, और क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू एल टू, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल टू, वैल्यू लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम वन आर वन
ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल टू। ठीक है, जो कट रहा है काट दो उसको, क्या कट रहा है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या बच गया एम वन आर वन एल वन इक्वल टू एम आर एल टू। ठीक, तो देखो आपके पास तीन रिलेशन आया, ठीक है ना, तीन रिलेशन आया, एक स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए, दूसरा आपका डायनामिक बैलेंसिंग के लिए। तो अब देखो कोई भी अगर कोई भी एक मास दिया रहे, एक रेडियस दिया रहे, एक लेंथ दिया रहे और इसमें से दो कोई दिया रहे तो आप L2 निकाल लोगे, है ना। तो इन तीनों रिलेशन को यूज करके आप न्यूमेरिकल में लगा सकते हो, क्लियर। तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया, क्लियर है। तो इन तीनों इक्वेशन करके, जैसे मास दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, L1 दिया रहेगा, कुछ तो दिया रहेगा ना, कोई एक कहेगा निकालने के लिए, तो मान लो ये 5t दिया हुआ है, ये L2 निकालना है तो आप निकाल लोगे, है ना। तो इस तरीके से होता है आपका डिफरेंट प्लेन के लिए। ठीक, तो ये रहा केस वन, ये था आपका, यहाँ पर लिख लो केस वन। ठीक है, अब हम लोग केस टू डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, केस नंबर वन का ही है, फिर इसके बाद केस टू डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, इफ अ 5 kg मास डिस्टर्ब द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रहा होगा आप सामने, ठीक, 5 kg मास दिया हुआ है जो इसको सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 cm, जो कि इसका डिस्टेंस दिया गया है कितना, 80 cm आगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इफ टू मासेस 3 kg एंड 4.5 kg, 3 kg एंड 4.5 kg हैविंग रेडियस, एक का रेडियस दिया गया है 40 cm, जो कि कितना है R1, ठीक, 40 cm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शाफ्ट लाई इन अ डिफरेंट प्लेन। ठीक है ना, ये कैसा है, अलग अलग प्लेन में है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बैलेंस्ड बाई मास, कैलकुलेट द डिस्टेंस बैलेंस्ड, मतलब कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ ऑफ होना चाहिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड मास ऑफ कितना, 4.5 kg, यानी कि 4.5 kg का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लिख लो इसको पहले गिवन गिवन। ठीक है, अगर कर सकते हो तो इसको पॉज करके खुद से कर लो। ठीक, देखो एम दिया है आपका 5 kg, R दिया है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, 80 cm। ठीक, M1 दिया गया है कितना, 3 kg, R1 दिया गया है कितना, 40 cm, और M2 दिया गया है 4.5 kg। ठीक है, और यहाँ से आपको R2 फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन क्या आया था, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग क्या था इक्वेशन, एम आर इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, यही था, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर दो, एम कितना है 5 × 8 इक्वल टू 3 × 40 प्लस, ठीक है ना, 80 cm, यहाँ 8 नहीं है, ये है आपका 80 cm, क्लियर, 80 × 3 × 40, और उसके बाद M2 कितना है 4.5 × R2, R2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 400 − 112, ठीक है ना, 120, और यहाँ से आपके 4.5 R2। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 280, है ना, 280 इक्वल टू 4.5 R2। ठीक, यहाँ से R2 निकाल लो, R2 कितना आ जाएगा 280/4.5। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर देख लो कितना आ रहा है, सॉल्व कर ही लो, 280 45 लिख दो, इंटू में 10, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दो, ठीक, 5 से काटो 9, ये कितना हो जाएगा 5 6 0, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर ले रहा, देखना कितना आएगा, ठीक है,
इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख लेना, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर लेना, एक एलसी होगा आपके पास, इसको सॉल्व करना और आंसर लिख लेना, ठीक है, 280/4.5, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर में, क्लियर। चलिए तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 2, ठीक है, वही सिमिलर ही है, केवल मोमेंट लेना है, ठीक, चलो नोट डाउन कर लो। चलिए अब केस 2 देखते हैं हम लोग, क्या था, व्हेन द प्लेन डिस्टर्बिंग मास, व्हेन द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास लाइज ऑन अ वन एंड ऑफ द प्लेन बैलेंसिंग मासेज, ठीक है ना, प्लेन ऑफ द बैलेंसिंग मासेज, क्या करता है, जो डिस्टर्बिंग मास है उसको किसी वन एंड पर रख दो, ठीक है, या तो आप इधर रख लो या फिर उधर रख लो, क्लियर। सेंटर वाला तो हम लोग कर लिए, केस नंबर 1 डिस्कस किए थे, तो देखो जो ये टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, एल है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, क्लियर, ये एल वन है, ये एल टू है, इस पॉइंट को मान रही है पी, इसको क्यू, ठीक है, और ये जो एक्सिस है इसका एम वन का जो एक्सिस है वो एल है और ये इसका क्या है, एम है, क्लियर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जितने जहाँ भी आप मास ऐड कर रहे हो उसके अबाउट मोमेंट निकालना होता है। तो देखो आपने कहाँ कहाँ मास ऐड किया है, एक मास क्यू पे ऐड किया है, एक मास पी पे ऐड किया है, उस केस में कहाँ ऐड किया था, साइड में किया था, यहाँ किए थे और एक यहाँ किए थे, तो दोनों के अबाउट हमने मोमेंट निकाला था। इस केस में क्या होगा कि मोमेंट अबाउट क्यू निकालेंगे, मोमेंट अबाउट पी निकालेंगे, बस यही होता है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग कितना हो जाएगा, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए देखिए ऊपर वाला को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, है ना, या फिर नेगेटिव कोई भी बैलेंस कर लो पॉजिटिव नेगेटिव लेके, तो ऊपर कौन क्या क्या है, एफ सी प्लस एफ सी टू बैलेंस कर रहा है किसको, एफ सी वन, ठीक है, तो यही इक्वेशन बन रहा है आपका, है ना, देखिए ये दोनों क्या है, ऊपर है एफ सी और एफ सी टू और एफ सी वन नीचे है, ठीक, तो इसको इक्वेशन लिख लो, क्या होगा, एफ सी को क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा, हाँ थोड़ा सा लिखो, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम टू आर टू ओमेगा टू स्क्वायर इक्वल टू एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, केवल ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट करो ओमेगा ओमेगा, ठीक, क्या इक्वेशन बना आपका, एम आर प्लस एम टू आर टू इक्वल टू एम वन आर वन, क्लियर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, क्लियर। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर डायनामिक बैलेंसिंग, फॉर डायनामिक बैलेंसिंग क्या होगा, मोमेंट लेना है हमें, मोमेंट किसके किसके अबाउट, पी और क्यू के अबाउट, ठीक है, तो देखो टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट किसके अबाउट ले लें, पहले पी के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, तो देखो ऊपर वाले को हमने क्या माना था, नेगेटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को मान लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव है यानी कि एफ सी इंटू एल माइनस में इक्वल टू नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, एफ सी वन इंटू एल टू इक्वल टू जीरो, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, एफ सी एल उतना ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इधर भेजो चाहे उधर भेजो, ठीक, तो एफ सी एल इक्वल टू एफ सी एल टू, ठीक है ना, एफ सी वन है ना, ये क्या है, एफ सी वन इंटू एल टू, क्लियर, इसका वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा, एफ सी के लिए क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल टू, ठीक, जो कट रहा है काटो, इसको कट कर दिए तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गया, एम आर एल इक्वल टू एम वन आर वन एल टू, बार बार छूट रहा है स्क्वायर क्यों, ठीक है ना, इतना आ गया इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आपका टेकिंग मोमेंट अबाउट पी। अब बात करते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट क्यू, यहाँ पे दूसरा मास लगाए हम लोग, टेकिंग
मोमेंट अबाउट, किसके अबाउट, क्यू के अबाउट ले रहे हैं। तो क्यू के अबाउट ले रहे हैं तो ये तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, ये बचा है, है ना। और दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये आपको लग रहा होगा एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इधर से लोगे तो अलग दिखेगा, इधर से लोगे तो अलग दिखेगा, यानी डायरेक्शन एक ही है लेकिन आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से अलग है, है ना। कि अगर मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हो तब ये हो गया पॉजिटिव, इधर से लोगे राइट हैंड साइड से लोगे तब ये पॉजिटिव, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, है ना। इतना आता होगा, सोम पढ़े होगे, है ना। ये इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एफ सी टू इंटू एल टू, एफ सी टू इंटू एल टू इक्वल टू क्या होगा, एफ सी इंटू एल वन निकाल लो, क्या हो जाएगा, एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल टू इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल वन, ओमेगा ओमेगा काटो, यहाँ क्या बचा, एम वन आर वन एल टू इक्वल टू एम आर एल वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल गया आपका, इक्वेशन नंबर तीन, ठीक है। तो ये देखो इक्वेशन रिलेशन मिल गया आपको। अब इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप इन तीनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो केस वन केस टू हो गया, एक साइड इधर होगा एक साइड इधर हो गया, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो अब क्या होता है इसके अंदर, कि मान के चलिए कि आपके पास मोर देन टू वाले टू मास हो जाएगा, थ्री मास हो जाएगा, फोर मास हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, इधर मिटा दो, यहाँ मिटा रहा हूँ। मान के चलिए कि आपको क्या करना है कि बहुत सारे मास आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मास कहने का मतलब कि क्या है, अनबैलेंस्ड है। मान लो कि मोर देन टू हो गया, थ्री हो गया, फोर मास अनबैलेंस्ड है, तो क्या करोगे उस केस में। देखो उस केस में क्या होता है, मान के चलिए ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से एम वन है, ये एम टू है, ये एम थ्री है, ये एम फोर है, ये एम फाइव है, है ना। एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, है ना। ये जिसका आर वन है, आर टू है, आर थ्री आर फोर आर फाइव, है ना। इस तरीके के कुछ सिंगल पॉइंट्स है, बहुत सारे मास क्या है, अनबैलेंस्ड है, है ना, जिनका अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो इसको क्या किया जाता है कि इन सारे मास को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक रिजल्टेंट मास लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक ये जो होगा वो क्या होगा, एम आर होगा, है ना। ये सारे बैलेंस को एक अकेला क्या कर लेगा, रिजल्टेंट मास लगाना पड़ेगा जो कि इसको काउंटर बैलेंस करेगा। वो कैसे करते हैं, तो उसको दो मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि फोर्स का आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, जैसे कि आपने वेलोसिटी डायग्राम बनाया था उसी तरीके से इसको बनाते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड में जिस तरीके से अभी कैलकुलेट किया हूं मैं एक एक करके, उस तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इतना आगे तक आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना है, ठीक है। इतना जितना मैंने बताया केस वन केस टू ये सब सफिशियंट है, ठीक है। तो अगर आप बीटेक करोगे तो वहां पे आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो मोर देन टू बैलेंस, थ्री बैलेंस, फोर बैलेंस, है ना, फोर मास के लिए अलग अलग। तो ये टॉपिक आपका बैलेंसिंग का यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन, क्लियर। इसके अगर न्यूमेरिकल करने होंगे तो कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही आसान रहता है, अभी करवा के दिखाया अभी था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।